एक रेसिपी बनाते हैं जो फटाफट बन सके। तो चलिए विदाउट मच अडू, ये लिया है मैंने तेल, जब तक ये गर्म होता है मैं एक काम करता हूँ, एक पेस्ट तैयार करनी है बड़ी सिंपल सी। तो ये है प्याज रफली चॉप्ड, ये अदरक, नहीं नहीं ये लहसुन, और ये लीजिए अदरक, और कुछ ये लाल मिर्च, ये आ गई लाल मिर्च, और उसके साथ साथ थोड़ी लेमन ग्रास, बस और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, वो इसलिए ताकि इसकी जो पेस्ट है वो फटाफट तैयार हो जाए। अदरक लहसुन प्याज फ्रेश लाल मिर्च और लेमन ग्रास। अच्छा ये मेरे पास है फिश, रावस फिश है, इस पे थोड़ा नमक और नींबू, बस ये ले लिया, ये तेल गरम, और ये बस ये देखिए, बस हल्का सा सौते की, अभी फिश पूरी तरह से पकी नहीं है, बस इसी समय इसमें ये पेस्ट को इसमें मिक्स करना है, तेज आंच पे पकाएं इसको। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये कोकोनट मिल्क। अब इसके अंदर एक सरप्राइज, जो आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये इसके साथ जा सकता है, वो है थोड़ी शहद। ये नहीं आपने सोचा था। और उसके साथ साथ ये मेरे पास धनिया, ये जो धनिया है, बस इस तरह से मोटा मोटा काट के इसके अंदर इसे करना है मिक्स। अब इसके अंदर ये नींबू का रस, ये ले ली, जिस आपने प्लेट में इसे सर्व करना हो उसके अंदर इसे डालें, और इसके ऊपर ये लाल मिर्च। अब आप देखिए ये जो फिश है ये दिखने में कैसी लग रही है, दिखने में बड़ी सिंपल सी थी, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, एक पेस्ट बनाई, उसके बाद में फिश को थोड़ा सा सौते किया, और फिर कोकोनट मिल्क डालकर उसे फिनिश कर दिया। स्टीम्ड राइस हो, जैस्मिन राइस हो, और ये फिश करी, टेस्टी डिलिशियस। वेजिटेरियन लोग फिश की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना दिमाग लगाइए। जी मैं जानता हूँ कि अगर आप सोचेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, ब्रोकली के साथ ट्राई करके देखें। अभी खैर नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका क्या। कोकोनट रावस के लिए हमें चाहिए 1.5 कप नारियल का दूध, 2 फिले रावस के क्यूब्स में कटे हुए, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 3 ताजी लाल मिर्चें, 1 डंडी लेमन ग्रास की कटी हुई, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 छोटे चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए फिश के ऊपर नमक और 1/2 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालकर इसे करीब 15 मिनट तक रख दें। अब मिक्सी में प्याज अदरक लहसुन 2 लाल मिर्चें ताजी वाली और लेमन ग्रास डालकर इसे पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें मैरिनेटेड फिश डालकर भून लें, फिर इसमें पिसे मसालों की पेस्ट डालकर तेज आंच पर भूनें, इसके साथ नारियल का दूध, शहद और धनिया की पत्तियां डालकर मिक्स करें, और इसमें बचा हुआ नींबू का रस डालकर मिलाएं और सजाकर सर्व करें।